सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं रेम्बो फर्स्ट ब्लड पार्ट 2 के बारे में। अब तक हमने देखा था कि रेम्बो ने वाशिंगटन में जो कुछ भी किया था उसके लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अब ट्रॉटमैन फिर से आता है रेम्बो के पास और उसे बताता है कि यूएस आर्मी के कुछ लोगों को बंदी बना लिया गया है, इसीलिए सरकार चाहती है कि रेम्बो वियतनाम फिर से जाए और जितने भी आर्मी को उन लोगों ने बंदी बनाया है वो उन्हें वापस लेकर गया है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक जेल का दृश्य आता है और यहाँ पे हम बहुत सारे कैदियों को काम करते हुए देखते हैं और इन्हीं कैदियों में से एक कैदी है और रेम्बो भी पूरी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहा है। तभी रेम्बो के पास एक गार्ड आता है और कहता है कि तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे कोई आया हुआ है, और रेम्बो जैसे ही बाहर जाता है वो देखता है कि ट्रॉटमैन उससे मिलने के लिए आया है। और अब ट्रॉटमैन रेम्बो का हालचाल पूछता है और हालचाल पूछने के बाद कहता है कि वियतनाम का युद्ध अब खत्म हो चुका है, लेकिन अमेरिका के कुछ सेना अभी भी वियतनाम में फंसे हुए हैं और उन्हें बंदी बना करके रखा गया है, इसलिए सरकार को किसी ऐसे आदमी की तलाश है जो वहाँ पे जा करके उन्हें बचा सके, और वो इस चीज के लिए आर्मी नहीं भेज सकते वरना एक बार फिर से युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। और मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था कि जब भी मेरे पास मौका होगा तुम्हें बचाने का तब मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, इसीलिए अगर तुम वियतनाम जाते हो उन लोगों को बचाने के लिए तब सरकार तुम्हारी बाकी की सजा माफ कर देगी और तुम एक बार फिर से आजाद जिंदगी जी पाओगे, तो क्या तुम्हें ये काम मंजूर है? और इन सारी बातों को सुनने के बाद रेम्बो कहता है कि हाँ। तब ट्रॉटमैन कहता है कि ठीक है, मैं बाकी की कार्यवाही पूरी करता हूँ और अब जल्दी ही तुम्हें थाईलैंड लेकर के जाया जाएगा और वहीं पे हमारी मुलाकात होगी, क्योंकि इस केस के इंचार्ज है मार्शल मर्डॉक और वही तुम्हें वियतनाम भेजेंगे। और इतना कहने के बाद ट्रॉटमैन यहाँ से चला जाता है। हेलो गाइज, सो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत मस्त ऐप लेकर के आया हूँ जिसका नाम है रमी सर्कल। ये एक हुनर दिखाने वाली बिल्कुल सेफ गेमिंग ऐप है जिसपे रमी खेलकर आप पैसे जीत सकते हैं। रमी सर्कल एक सेफ एंड सिक्योर ऐप है जहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो अगर आपको रमी खेलना आता है तो खेलकर पैसे जीतिए, और अगर आपको रमी नहीं आता है तो इसमें प्रैक्टिस गेम्स खेल के आसानी से सीख सकते हैं और फिर कैश गेम्स खेल के पैसे जीत सकते हैं। इसपे डिपॉजिट के लिए सबसे सेफ फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है, फिर चाहे वो पेटीएम, फोन पे, क्रेडिट डेबिट कार्ड के द्वारा डिपॉजिट कर सकते हैं और आपके पहले डिपॉजिट पर 2000 तक का वेलकम बोनस पा सकते हैं। रमी सर्कल पे रमी खेलना काफी आसान और ये फोन में काफी स्मूथली भी चलती है, आप खुद इसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अभी ऐप को डाउनलोड करो और रजिस्टर करते ही 2000 तक का वेलकम बोनस पाओ। आप भी रमी खेलो और कैश जीतो। इस खेल में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और नशे की लत हो सकती है, कृपया अपने जोखिम पर जिम्मेदारी से खेलें। तभी एक हेलीकॉप्टर से रेम्बो को भी लेकर के जाया जाता है थाईलैंड और यहाँ पे रेम्बो की मुलाकात होती है ट्रॉटमैन से। तब ये दोनों पहुँचते हैं मर्डॉक के पास और मर्डॉक रेम्बो की फाइल पढ़ने लगता है और यहाँ पे पता लगता है मर्डॉक को कि रेम्बो कितना खतरनाक आदमी है और उसने कितने सारे युद्ध लड़े हैं। वो चिकित्सा विज्ञान भी जानता है, वो हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है, वो जहाज चला सकता है और उसके साथ साथ ऐसा कोई भी काम नहीं जो रेम्बो नहीं कर सकता, इसीलिए वो मर्डॉक इन सारी चीजों को देख करके बहुत प्रसन्न हो जाता है। लेकिन वो रेम्बो को कहता है कि इन सारी चीजों की हमें जरूरत नहीं है, हम बस तुमसे इतनी चीज चाहते हैं कि तुम वियतनाम जाओ और वहाँ पे जितने भी कैदी हैं उन सब की तस्वीर खींच करके लाओ, उसके बाद हम एक टीम बनाएंगे और वो टीम उन सारे लोगों को आजाद करके लाएगी और चाहे कुछ भी हो जाए तुम वहाँ पे किसी से नहीं लड़ोगे और किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए कि तुम वहाँ पे हो, इसीलिए तुम चुपचाप तस्वीरें खींचोगे और वापस आ जाओगे, और वहाँ जाने से पहले हम तुम्हें बहुत सारे आधुनिक हथियार देंगे जिससे हम हमेशा ही तुम पे नजर रख पाएंगे। और रेम्बो कहता है कि ठीक है। तब ट्रॉटमैन उसे कहता है कि तुम जल्दी से जाओ और अपना काम खत्म करके आओ और ये काम तुम्हारे बाकी कामों से बिल्कुल अलग होने वाला है क्योंकि इस बार तुम्हें हथियार नहीं उठाना और तुम्हें छुप करके काम करना है। और रेम्बो कहता है कि इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है। तब ये लोग फिर से मिलते हैं मर्डॉक से और मर्डॉक रेम्बो को पूरा नक्शा बताने लगता है और वो कहता है कि हमारी नजर हर वक्त तुम पे होगी क्योंकि हमारे पास बहुत ही आधुनिक तकनीक है जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। तब रेम्बो कहता है कि सिर्फ एक ही चीज काम आती है और वो है हमारा दिमाग, इसीलिए मैं सिर्फ उसी के भरोसे रहना चाहता हूँ। और यहाँ पे मर्डॉक रेम्बो को बताता है कि तुम्हें वहाँ पे हमारा एक आदमी मिलेगा जो तुम्हें गाइड करेगा और लेकर उस जगह पे जाएगा जहाँ पे तुम उन कैदियों से मिलोगे। और अब रेम्बो जाने की तैयारी करने लगता है, उसे बहुत सारे हथियार दिए जाते हैं लेकिन रेम्बो अपने पास सिर्फ अपने चाकू को रखता है और बाकी हथियार प्लेन में होते हैं। और जब ये लोग हवा में जाते हैं तब रेम्बो नीचे जाने लगता है, तभी रेम्बो का सामान और रेम्बो दोनों प्लेन में फंस जाते हैं और अगर जरा सा इधर उधर होगा तब रेम्बो मारा जाएगा क्योंकि वो बिल्कुल इंजन के पास है, इसीलिए अब सारे लोग परेशान होने लगते हैं और उन्हें लगता है कि आज रेम्बो मर जाएगा। तब रेम्बो अपना दिमाग लगाता है और उसके पास जितना भी सामान होता है जो उसके पीठ पे होता है वो उस रस्सी को काट देता है और बिना किसी मदद के नीचे कूद जाता है और सबको लगता है कि रेम्बो मर गया और खास करके मर्डॉक को, इसीलिए मर्डॉक कहता है कि अब हमें इस मिशन को बंद कर देना चाहिए। तब ट्रॉटमैन कहता है कि हमें इंतजार करना चाहिए, रेम्बो इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं है। तब ट्रॉटमैन कहता है कि आखिर कोई इतने बड़े घटना के बाद कैसे बच सकता है। तब ट्रॉटमैन कहता है कि हमारे पास अभी भी 36 घंटे का वक्त है और अगर 36 घंटे के अंदर रेम्बो का जवाब नहीं आया तब हम इस मिशन को बंद कर देंगे। और मर्डॉक कहता है कि ठीक है। तभी हम देखते हैं कि रेम्बो अभी भी जिंदा है और अब रेम्बो जंगल में आगे बढ़ने लगता है और ये जंगल जहरीले जानवरों से भरा पड़ा है, खास करके सांपों से। और जैसे ही रेम्बो थोड़ा आगे जाता है उसे लगता है
है कि यहाँ पे कोई और भी है, इसलिए रैम्बो उस पे हमला कर देता है। तब रैम्बो को पता लगता है कि ये एक लड़की है और वो लड़की कहती है कि रैम्बो मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी साथी हूँ, मेरे बारे में शायद तुम्हें बताया गया होगा और मैं ही तुम्हें उस जगह तक लेकर के जाऊंगी। तुम शायद इस चीज को देख करके हैरान हो कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मैं ही तुम्हारी साथी हूँ। और रैम्बो कहता है कि ठीक है। और ये लड़की यहाँ पे अपना नाम भी बताती है, इसका नाम है कोबाओ। और अब रैम्बो और कोबाओ दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद कोबाओ रैम्बो को लेकर के जाती है लुटेरों के पास। और ये लोकल लुटेरे हैं जिनके पास नाव भी है और वो आसानी से इन्हें नदी पार करवा सकते हैं और ये लोग कैंप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये लुटेरे बहुत ही खतरनाक है, ये सब देखने में बड़े ही घिनौने और डरावने होते हैं। लेकिन कोबाओ इन्हें बहुत सारे पैसे देती है और ये इन्हें नदी पार कराने के लिए मान जाते हैं। फिर जब ये लोग नदी पार कर रहे होते हैं तब कोबाओ रैम्बो के बारे में पूछती है और रैम्बो अपनी पूरी कहानी बताता है। तब कोबाओ कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें युद्ध पसंद है। तब रैम्बो कहता है कि नहीं, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे युद्ध का हिस्सा बना दिया जाता है और मैं एक फिजूल इंसान हूँ। तब कोबाओ कहती है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तब रैम्बो कहता है कि मेरे होने और ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मैं यहाँ हूँ और अगर कल मैं यहाँ पे नहीं रहूँ तो किसी को कोई अफसोस नहीं होगा। और इन सारी बातों को सुनने के बाद कोबाओ को बहुत बुरा लगता है और वो रैम्बो को ऐसे ही देखती रहती है। तभी रैम्बो कोबाओ के गले में एक लॉकेट को देखता है और पूछता है कि ये क्या है। तब कोबाओ कहती है कि ये मेरी सबसे लकी चीज है। फिर वो रैम्बो से पूछती है कि तुम्हारी लकी चीज क्या है। तब रैम्बो अपनी चाकू दिखाता है। तभी हम ट्रॉटमैन को देखते हैं जो जाता है मूडॉग के पास और कहता है कि 36 घंटे पूरे होने जा रहे हैं, इसीलिए मुझे बचाव दल के साथ वियतनाम जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी यही डील हुई थी। लेकिन मूडॉग इन बातों को नहीं मानता और कहता है कि हम जानते भी नहीं कि रैम्बो जिंदा है या मर गया, इसीलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन ट्रॉटमैन मूडॉग को मना लेता है। तभी दूसरी तरफ रैम्बो और कोबाओ नदी को पार कर जाते हैं और वो पहुंचते हैं कैंप के पास। तभी कोबाओ देखती है कि यहाँ की एक वेश्या यहीं पे आ रही है और वो कैंप के अंदर चली जाती है। तब कोबाओ अपना कैमरा निकालती है और वो कहती है कि मैं यहाँ की तस्वीरें खींच रही हूँ। तब रैम्बो कहता है कि सिर्फ तस्वीरें खींचने से नहीं होगा। और इतना कहने के बाद वो अपनी चाकू लेता है और वो अंदर जाने लगता है। तब कोबाओ उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन रैम्बो कोबाओ की बात नहीं मानता और वो अंदर चला जाता है और वो पूरे कैंप में घूमने लगता है ताकि उसे पता लग सके कि यहाँ पे कुल कितने कैदी हैं। और वो जहाँ भी जाता है उसे यहाँ पे सिपाही नजर आते हैं और ये सारे अय्याशी कर रहे होते हैं। तभी धीरे धीरे रैम्बो पहुँचता है सारे कैदियों के पास। फिर वो देखता है कि इन्हें जानवरों से भी बदतर हालत में रखा गया है और यहाँ पे एक दिन इनके लिए 100 साल के बराबर है। लेकिन रैम्बो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है वो एक और कैदी को देखता है जिसे बांस पे ऐसे ही टांग दिया गया है, इसीलिए अब रैम्बो उस कैदी को छुड़ाने लगता है। तभी यहाँ के एक गार्ड की नजर पड़ जाती है रैम्बो पे। तब रैम्बो अपना धनुष निकालता है और उसे तीर मार देता है। इसी बीच एक और गार्ड पहुंच जाता है कोबाओ के पास और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी रैम्बो उसे भी मार देता है और अब रैम्बो, कोबाओ और एक कैदी तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। तभी हम ट्रॉटमैन को देखते हैं जो यहाँ आने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच ये सारे लोग नाव पे चढ़ जाते हैं और लुटेरों के साथ यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वियतनामी सेना इन्हें देख लेती है और वो इनका पीछा करने लगती है। इसी बीच लुटेरे इन पे बंदूक तान देते हैं। तब रैम्बो समझ जाता है कि ये लुटेरे बीत चुके हैं और ये वियतनामी सेना के साथ मिल चुके हैं। तभी वो देखता है कि सेना भी यहाँ पे आ रही है, इसीलिए अब रैम्बो सारे के सारे लोगों को मारने लगता है और वो एक एक करके सारे लुटेरों को मारने लगता है। और वो कोबाओ और कैदी को कहता है कि तुम लोग यहाँ से भागो और वो तैर करके यहाँ से भागने लगते हैं। तब तक रैम्बो ज्यादातर लुटेरों को मार चुका होता है। फिर वो इनका हथियार निकालता है और सेना पे गोली चलाने लगता है क्योंकि वो लोग भी इस पे अंधाधुंध गोलियां चला रहे होते हैं। और थोड़ी ही देर में सेना इस नाव को छल्ली कर देती है। तब रैम्बो एक रॉकेट लॉन्चर निकालता है और वो सेना के नाव को तबाह कर देता है। तभी यहाँ का एक लुटेरा रैम्बो को मारने लगता है। तब तक सेना की नाव इधर ही आ रही होती है, लेकिन अब उस नाव में आग लग चुकी है और अगर वो नाव इस नाव से टकराई तब यहाँ पे बड़ा सा ब्लास्ट होगा, इसीलिए रैम्बो जल्दी से लुटेरे को मारता है और पानी में कूद जाता है। तभी वो नाव आकर के इस नाव से टकरा जाती है और दोनों के दोनों नाव ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले ही रैम्बो पानी में कूद चुका होता है, इसीलिए वो बच जाता है और वो पहुंचता है अपने दोनों साथियों के पास और ये तीनों यहाँ से फिर से भागने लगते हैं। और जैसे ही ये लोग थोड़ी दूरी पे जाते हैं इन्हें एक बार फिर से वियतनामी सेना घेरने लगती है। तभी यहाँ पे ट्रॉटमैन आ जाता है और इस हेलीकॉप्टर में और भी लोग होते हैं और अब ये लोग वियतनामी सेना पे गोली चलाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर मूडॉग को मिलती है वो अपने साथियों को कहता है कि इस मिशन को अभी के अभी रद्द कर दो क्योंकि रैम्बो ने कानून तोड़ा है। उसे कहा गया था कि वो कोई भी वायलेंस नहीं करेगा और अब ट्रॉटमैन इन्हें समझा रहा होता है कि हम बिना रैम्बो को लिए यहाँ से ना जाएं। लेकिन ये लोग ट्रॉटमैन की एक नहीं सुनते और ये लोग रैम्बो को छोड़ करके यहाँ से भाग जाते हैं। इसीलिए अब वियतनामी सेना रैम्बो को पकड़ लेती है और उस कैदी को भी, लेकिन रैम्बो ने कोबाओ को यहाँ से भगा दिया था। तभी ट्रॉटमैन पहुंचता है मूडॉग के पास और अब यहाँ पे ट्रॉटमैन को पूरी सच्चाई पता लगती है कि ये लोग कभी भी उन कैदियों को नहीं बचाना चाहते थे, ये सियासत का एक खेल था। इन्हें रैम्बो को वहाँ पे भेजना था ताकि रैम्बो आकर के कहे कि वहाँ पे कोई भी कैदी नहीं है, और अगर रैम्बो ऐसा नहीं करेगा और वो कैदियों को लेकर के आएगा तब ये लोग रैम्बो को वहीं पे छोड़ देंगे ताकि इन्हें आगे कोई भी एक्शन ना लेना पड़े। और ट्रॉटमैन इन सारी बातों को सुनकर के गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम एक बहुत ही वाहियात आदमी हो और उससे भी वाहियात ऑफिसर। तब मूडॉग कहता है कि तुम्हें इस केस से निकाला जाता है और अब तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तभी हम रैम्बो को देखते हैं जिसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। तभी इस कैंप में एक रशियन आता है जिसका नाम है सार्जेंट पुडोस्की और यहाँ पे हमें पता लगता है कि रशियन वियतनामी से मिले हुए हैं
और उन्हीं ने यूएस आर्मी को कैदी बना करके रखा है। और पुडोस्की जैसे ही रैम्बो को देखता है वो उसे कीचड़ से बाहर निकलवाता है और लेकर के जाता है कमरे में ताकि वो उसे जानकारियां निकलवा सके। इसीलिए वो रैम्बो को टॉर्चर करने लगता है, लेकिन जल्दी ही पुडोस्की को पता लग जाता है कि रैम्बो इतनी जल्दी टूटने वालों में से नहीं है। इसीलिए पुडोस्की अपना दिमाग लगाता है और कहता है कि जो हेलीकॉप्टर यहाँ पे आया हुआ था हमने उनकी बातें सुनी और तुम इस बात को सुनकर के हैरान हो जाओगे कि उन लोगों ने क्या कहा। जैसे ही पायलट ने उन्हें बताया कि हमें रैम्बो मिल गया है, उधर से जवाब आया कि मिशन को रद्द करो और वापस आ जाओ, और वो लोग वापस चले गए। और पुडोस्की ये बातें कर ही रहा होता है तभी दूसरी तरफ हम कोबाओ को देखते हैं जो एक वैश्या बनकर के कैंप के अंदर आ चुकी है। और अब पुडोस्की रैम्बो को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हेडक्वार्टर कॉल करो और उन्हें मेरा संदेश दो, लेकिन रैम्बो नहीं मानता। तब ये लोग रैम्बो को फिर से टॉर्चर करने लगते हैं, लेकिन इनके टॉर्चर से भी रैम्बो नहीं टूटता। तब पुडोस्की फिर से अपना दिमाग लगाता है और वो उसी कैदी को बुलाता है जिस कैदी को लेकर के रैम्बो भाग रहा था, और वो रैम्बो को कहता है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तब हम इस कैदी को मार देंगे। इसीलिए अब रैम्बो इनकी बात मान जाता है और ये लोग रेडियो लाते हैं और सिग्नल मिलाते हैं थाईलैंड का, और ये कॉल जाता है मोडॉक के पास। और पुडोस्की रैम्बो को बताने लगता है कि उसे मोडॉक को क्या कहना है। तभी रैम्बो की नजर पड़ती है नीचे और वो देखता है कि कोबाओ यहाँ पे आ चुकी है और उसके हाथ में बंदूक भी है। इसीलिए रैम्बो मोडॉक से कहता है कि मोडॉक मैं आ रहा हूँ और अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और इतना कहने के बाद वो सब पे हमला कर देता है और नीचे से कोबाओ भी गोलियां चलाने लगती है। लेकिन पुडोस्की यहाँ से भाग चुका होता है, इसीलिए अब रैम्बो बचे हुए लोगों को मारता है और यहाँ से भागने लगता है, और जल्दी ही कोबाओ भी उसके साथ आ जाती है। इसीलिए ये लोग जंगल के रास्ते भागने लगते हैं, लेकिन अब पूरी सेना इनके पीछे है। और थोड़ी देर के बाद ये दोनों रुक जाते हैं। तब कोबाओ देखती है कि रैम्बो के शरीर पे चोट लगा है, इसीलिए वो उसके घाव पे मरहम लगाने लगती है, और वो यहाँ पे रैम्बो से अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है कि क्या तुम मुझे अपने साथ अमेरिका लेकर के चलोगे, और रैम्बो कहता है कि हाँ। तब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और कोबाओ बहुत खुश होती है कि अब वो रैम्बो के साथ रहने वाली है, और अब ये लोग फिर से जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी यहाँ पे एक सिपाही आ जाता है और वो अंधाधुन गोलियां चलाने लगता है कोबाओ पे, और कोबाओ को बहुत सारी गोलियां लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है। तब रैम्बो उस सिपाही को मार देता है और वो कोबाओ के पास जाता है। तब वो देखता है कि कोबाओ अपनी अंतिम सांसें ले रही है, और मरते समय कोबाओ रैम्बो से कहती है कि तुम मुझे भूलोगे तो नहीं, और रैम्बो कहता है कि कभी नहीं। और इतना कहने के बाद कोबाओ अपना दम तोड़ देती है। तब रैम्बो कोबाओ का लकी लॉकेट पहन लेता है, और अब रैम्बो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो शिकार पे निकल जाता है और वो एक एक करके वियतनामी जो रशियन को मारने लगता है, और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि रैम्बो उन्हें कब मार देता है। वो झट से उनके पीछे से आता है और उन्हें मार करके गायब हो जाता है, और वो एक एक करके यहाँ पे लाशों का ढेर लगा देता है। फिर वो निकालता है अपना बॉम वाला तीर, और वो जहाँ भी ग्रुप देखता है सिपाहियों का वो वहीं पे तीर छोड़ता है और वो सारे सिपाहियों के चीथड़े उड़ा देता है। तभी रैम्बो को वही आदमी नजर आता है जिसने कोबाओ को मारा था, इसीलिए रैम्बो फिर से एक बॉम वाला तीर निकालता है और वो उसे भी मार देता है। लेकिन अब यहाँ पे हर जगह आग लगी हुई है, इसीलिए सबको ये बात पता लग जाती है। फिर यहाँ पे रशियन एक हेलीकॉप्टर भेजते हैं और वो रैम्बो को ढूंढने लगते हैं, और जैसे ही हेलीकॉप्टर वालों को रैम्बो नजर आता है वो एक बड़ा सा बॉम्ब गिराते हैं वहाँ पे, लेकिन रैम्बो बड़ी ही चलाकी के साथ पानी में कूद जाता है और वो उस बॉम्ब से बच जाता है, और उन्हें भी ये बात पता लग जाती है। इसीलिए वो अपने हेलीकॉप्टर को लेकर के आ जाते हैं पानी के पास, और पानी में अंधाधुन गोलियां चलाने लगते हैं, और वो पानी में गोली भी चलाते हैं और रैम्बो को भी ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन रैम्बो को ढूंढना इतना आसान नहीं है क्योंकि रैम्बो की कुछ और ही प्लानिंग होती है। इसीलिए रैम्बो झट से उस हेलीकॉप्टर के अंदर घुस जाता है और वो इनसे लड़ने लगता है, और वो सबसे पहले बंदूक चलाने वाले को मारता है और उसके बाद वो पायलट को मार देता है, और इन दोनों को मारने के बाद खुद हेलीकॉप्टर चलाने लगता है और हेलीकॉप्टर को लेकर के आता है कैंप के पास, और वो एक एक करके सारे सिपाहियों को मारने लगता है और कैंप के हर एक कमरे को उड़ाने लगता है, और वो सिर्फ उस कमरे को छोड़ता है जिसमें कैदी है। इसीलिए अब रैम्बो नीचे हेलीकॉप्टर उतारता है और सारे कैदियों को आजाद कर देता है और उन सबको हेलीकॉप्टर में बैठाने लगता है। लेकिन अभी भी यहाँ पे बहुत सारे रशियन जिंदा है जो रैम्बो पे हमला करते हैं, इसीलिए रैम्बो उनका भी सफाया कर देता है और सबको हेलीकॉप्टर में बैठा करके यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन पुडोस्की अभी भी जिंदा है और उसे रैम्बो के बारे में पता है, इसीलिए वो भी एक हेलीकॉप्टर लेकर के रैम्बो के पीछे लग जाता है, और वो बार बार रैम्बो पे गोलियां चला रहा होता है पीछे से ताकि वो पूरे हेलीकॉप्टर को ही उड़ा दे। और इस चीज को देखने के बाद सारे कैदी डर जाते हैं, लेकिन रैम्बो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो सारे लोगों को बचा ले, लेकिन पुडोस्की इन पे अंधाधुन गोलियां चला रहा होता है, और जल्दी उन कैदियों में से एक आदमी को गोली भी लग जाती है। इसीलिए रैम्बो परेशान हो जाता है और वो अपना दिमाग लगाता है, और वो ऐसा दिखावा करता है कि उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है, इसीलिए वो अपने हेलीकॉप्टर को नीचे पानी में उतार देता है। तब पुडोस्की खुश होकर के आता है रैम्बो के हेलीकॉप्टर के पास ताकि वो उसे पास से उड़ा सके, और रैम्बो इसी चीज का इंतजार कर रहा होता है। इसीलिए जैसे ही पुडोस्की का हेलीकॉप्टर नजदीक आता है, रैम्बो उस पर रॉकेट लॉन्चर छोड़ देता है, इसीलिए अब हेलीकॉप्टर के साथ साथ पुडोस्की भी उड़ जाता है, और यहाँ पे रैम्बो सबका खात्मा कर देता है। फिर वो हेलीकॉप्टर उड़ाता है और सारे कैदियों को लेकर के पहुंचता है थाईलैंड, और जब सारे कैदी हेलीकॉप्टर से निकल रहे होते हैं तब रैम्बो एक बड़ी सी बंदूक उठाता है और चला जाता है लैब के अंदर, और वहाँ पे अंधाधुन गोलियां चलाने लगता है, और वो हर जगह मोडॉक को ढूंढ रहा होता है, और जब वो पूरे लैब को तबाह कर देता है तब वो जाता है मोडॉक के पास, और मोडॉक कहता है कि मैं
सिर्फ इनके हाथों की कठपुतली हूँ। मुझे पता नहीं था कि इतना सब कुछ होने वाला है, इसीलिए इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और इस बात को सुनने के बाद रेम्बो मूडॉक को उठा करके पटक देता है, लेकिन रेम्बो जानता है कि मूडॉक सिर्फ उनके हाथों की कठपुतली है और ये सारा सियासत का खेल है। इसीलिए वो मूडॉक के सामने अपनी चाकू रखता है और कहता है कि ये मिशन खत्म हुआ। और इतना कहने के बाद रेम्बो बाहर निकल जाता है। तब ट्रॉटमैन उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें एक बार फिर से राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। तब रेम्बो कहता है कि ये पुरस्कार उन कैदियों को मिलना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने वियतनामियों की यातनाएं सही है। तब ट्रॉटमैन कहता है कि अब तुम आजाद हो, हमारे साथ वापस चल। लेकिन रेम्बो कहता है कि नहीं। तब ट्रॉटमैन कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब रेम्बो कहता है कि मुझे वही चाहिए जो उन कैदियों को चाहिए, क्योंकि जितना प्यार हम अपने वतन से करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा वतन भी हमसे उतना प्यार करे, लेकिन हमारा वतन हमसे उतना प्यार नहीं करता। और इतना कहने के बाद रेम्बो यहाँ से जाने लगता है और ट्रॉटमैन जानता है कि अब रेम्बो को कोई नहीं रोक सकता, वो अपनी नई जिंदगी को शुरू करने जा रहा है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, रेम्बो की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। इस सीरीज में 3 और फिल्में हैं जिनको हम जल्दी ही अपने चैनल पे एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।